बच्चों आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के हैं, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है इफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू पहले तो हम नीचे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, कह रहे हैं a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो देखो इधर x का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर है हमारा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो इधर एक्स स्क्वायर है, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चा होता है एक्स स्क्वायर। x की प्लेस पर हमारा क्या है, a साइन थीटा है, मतलब a साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मीन्स b कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। फिर आता है प्लस टू ए बी, टू इंटू ए, ए की सॉरी 2xy, x की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा, a साइन थीटा इंटू वाई मतलब b cos थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, यहां देख लो हमने अप्लाई किया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया। अब देखो इधर क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या दिख रहा है, ए का स्क्वायर दिख रहा है, ए का स्क्वायर, ये साइन का भी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस इसमें क्या दिख रहा है, ये बी स्क्वायर और ये कॉज स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर क्या है, यहां टू है और उसके बाद देखो यहां ए है और यहां पर बी है, तो ए और बी को हम एक साथ लिख लेते हैं और यहां साइन थीटा और कॉज थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसे हम ना इक्वेशन वन कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, वाई का स्क्वायर निकालना है क्योंकि एक्स का स्क्वायर तो आ चुका है, अब वाई का स्क्वायर निकालना है। तो इस वाई को हम नीचे पहले तो लिख लेते हैं, तो वाई की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू यहां पर दी हुई है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं, वाई की वैल्यू दी हुई है y इक्वल्स टू a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। ठीक है, और क्या था, y का स्क्वायर था तो स्क्वायर भी कर लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर हमें y स्क्वायर मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या मिल जाएगा, यहां पर y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां क्या दिख रहा है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। तो बच्चों एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x माइनस y का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, यही होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करेंगे, तो एक्स की प्लेस पर क्या है हमारा, ए कॉस थीटा है, मतलब ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस टू एक्स वाई, माइनस टू एक्स की प्लेस पर ए कॉस थीटा है और वाई की प्लेस पर बी साइन थीटा है। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेंगे तो a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 है, फिर ए और बी ए बी हो गया, और ये कॉज ये साइन। तो ऐसा करते हैं, साइन को हम पहले लिख लेते हैं, कॉज को बाद में लिख लेते हैं, हो तो ये सब मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ना, साइन को पहले लिख लिया कॉज को बाद में लिख लिया। ये है क्या वाई स्क्वायर है, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में देखो हमें लाना था, यहां पर दिया हुआ है, कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूव करके दिखाना है ना। तो इस वैल्यू को ये जो दिया हुआ है इसे हम नीचे लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कह रहे हैं प्रूव करके दिखाओ, क्या प्रूव करने के लिए है, टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही प्रूव करना है। तो देखो इसमें ना लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे और जो है राइट हैंड साइड की वैल्यू हम लेकर आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट लेट लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है उसको पुट करते हैं। तो बच्चा देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉज थीटा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट करते हैं, क्या वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और वाई स्क्वायर की वैल्यू आगे पुट करनी है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी यहां से देखते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी पुट करते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहां पर देखो ये हमें मिल रही है, ये हमें मिली प्लस की वैल्यू और यहां देखो ये माइनस की वैल्यू दिख रही है, तो ये पूरा का पूरा आपस में कैंसिल हो गया। मिला क्या हमें, हमें मिला यहां पर, हमें मिल गया यहां पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और एक काम करो, ये जो साइन वाली वैल्यू है इसको भी ऊपर, एक मिनट, इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही मिला, ये वैल्यू और यहां से ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब क्या करना है, देखो इसमें और इसमें क्या है, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहां पर मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉज स्क्वायर थीटा। इसमें देखो इसमें बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा है और इसमें क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। और जब बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, वन होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। उसके बाद प्लस का साइन यहां लगा हुआ है, अब यहां पर है बी स्क्वायर, और यहां पर देखो ये जो वैल्यू दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो ए स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा तो हमें बी स्क्वायर मिलेगा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, इसी को प्रूव करके हमें दिखाना था। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ टैन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम, एम की वैल्यू क्या है टैन थीटा प्लस साइन थीटा, एंड टैन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू है टैन थीटा माइनस साइन थीटा। तो कह रहे हैं प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू फोर एम एन। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए बच्चों, तो एक एक बार आप लोग अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाए।
ठीक है, तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो m की वैल्यू जो दी हुई है उसे हम नीचे सबसे पहले लिख लेंगे। बच्चा m की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू हमें मिली है tan थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या है, क्या प्रूव करना है, कह रहे प्रूव करो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4mn। तो देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या लिखा है, m स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम अगर स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा, इधर तो m स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर मिलेगा हमें tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की प्लेस पर हमारा tan है और b की प्लेस पर हमारा sin है। ठीक है, और इधर क्या है, ये m स्क्वायर है, इसे इक्वेशन 1 हम लोग कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद अब n वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहां पर लेट n इक्वल्स टू, n क्या दिया हुआ है हमारा tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अगर स्क्वायर करेंगे तो यहां आ जाएगा एन स्क्वायर, और यहां पर क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा हमें टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका होल ऑफ स्क्वायर ये ओपन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा देखते हैं, हमें मिला है एन स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ओपन करते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी, माइनस टू ए के प्लेस पर क्या है टेन थीटा और b की प्लेस पर क्या है साइन थीटा। ठीक है, ये n स्क्वायर ही इधर है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन मिल चुकी है, पहली कंडीशन यहां पर है m स्क्वायर और दूसरी कंडीशन यहां पर है n स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। तो इस कंडीशन को जो प्रूव करना है इसे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। पहले तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर रूट mn, इसे दिखाना है। तो ऐसा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट लेफ्ट हैंड साइड है हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसे तो प्रूव करके दिखाना है ना, तो इसे ऐसा करते हैं बॉक्स में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, देखते हैं क्या मिलेगा। m की वैल्यू क्या थी, तो m की वैल्यू हमारी थी tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। m स्क्वायर क्या था, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस, एन की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर की, तो एन स्क्वायर की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा साइन थीटा। क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। इस माइनस को अंदर भेज दो, जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस का, और इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा एंड साइन थीटा। अब यहां पर देखो हमें क्या क्या मिल रहा है,
ये जो टेन दिया हुआ है ये प्लस का है, और यहां पर टेन ये किसका है, माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ये देखो साइन प्लस का है और ये माइनस का साइन है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और ये देखो ये प्लस की वैल्यू है और ये भी प्लस की वैल्यू है, तो टू और टू फोर हो जाएगा यहां पर, यहां पर हमें मिल जाएगा फोर, और क्या है टेन थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ठीक है, इतनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसके आगे इसको सॉल्व करना हो जाएगा, लेकिन इससे अच्छा है कि हम अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दें, जिससे प्रूव करके आसानी से इसका आंसर हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा है क्या, फोर अंडर रूट एम एन, इस वैल्यू को अब लिखते हैं यहां पर। लेट राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड है क्या, फोर अंडर रूट एम एन, यही है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, m की वैल्यू कितनी है, तो बच्चा m की वैल्यू जो है वो हमारी क्या थी, यहां पर देखो tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की है tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर लेते हैं, m की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी, tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, यही वैल्यू है फोर। ये क्या दिख रहा है, देखो बच्चा यहां दिख रहा है a प्लस बी, इस ब्रैकेट में देखे तो a प्लस बी दिख रहा है, और यहां पर दिख रहा है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में tan ऐड हो रहा है साइन के साथ, एक में सबट्रैक्ट हो रहा है। तो बच्चा एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो तो बच्चा एक फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे इस पर, तो अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, फोर अंडर रूट, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर मिल रहा, तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां टेन है एक ही प्लेस पर, तो यहां आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर है फोर रूट, देखो ये टेन दिया हुआ है, और टेन को हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेन जो होता है उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू यहां पर फोर है स्क्वायर रूट साइन का स्क्वायर एंड कॉज का स्क्वायर, तो साइन को अलग कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कॉज को अलग कर देते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां पर हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, तो ये कॉज स्क्वायर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे समझ लो वन है, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर स्क्वायर रूट ये साइन स्क्वायर, यहां पर मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करना होगा, ऐसा करते हैं ये जो स्क्वायर रूट लगा है ना, तो नीचे का स्क्वायर रूट मतलब कॉज का अलग कर लेते हैं और ऊपर का अलग कर लेते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहां पर इक्वल्स टू फोर स्क्वायर रूट दोनों के अलग कर लेते हैं, ऊपर मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे मिल रहा है अंडर रूट कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू फोर, ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो
मिलेगा क्या, वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। और नीचे एक चीज देखो, स्क्वायर रूट लगा हुआ है और यहाँ कॉज स्क्वायर थीटा है, कॉज का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या मिल जाएगा हमें, कॉज थीटा मिल जाएगा इक्वल्स टू फोर। अच्छा ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है और साइन स्क्वायर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में देखो स्क्वायर रूट लगा है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो हम साइन को बाहर भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो एक साइन हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन का स्क्वायर है, तो साइन बाहर आ गया। तो और अंडर रूट में यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे तो कॉज थीटा दिया ही है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फोर साइन थीटा अपॉन में कॉज थीटा, कॉज तो डिवाइड में ही है तो साइन के नीचे लिख लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या मिल गया, फोर साइन अपॉन कॉज क्या होता है तो टेन होता है, और यहां पर देखो ये साइन का स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ स्क्वायर रूट लगा है तो सिर्फ एक साइन यहां मिल जाएगा। तो ये देखो हमारी हो गई फोर अंडर रूट एम एन की वैल्यू, और हमें यही तो प्रूव करके दिखाना था, हमें दिखाना था एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू फोर अंडर रूट एम एन, लेकिन जब हमने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को सॉल्व किया तो हमें मिला फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये मिला। और उसके बाद हमने फिर राइट हैंड साइड फोर अंडर रूट एम एन को भी सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमें मिल गया फोर टेन थीटा साइन थीटा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ टेन टू थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस 21, वेयर टू थीटा इज एन अक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन ही पूछा गया है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है, टेन टू थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस 21, ठीक है, ये गिवन है। तो इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, यहां देखो टेन लिखा है, अच्छा पहले तो इधर एक चीज सीख लेते हैं, हम ये जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा होता है टेन थीटा, तो यही कुछ अप्लाई करेंगे यहां पर। तो यहां दिया है टेन टू थीटा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस टू थीटा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, cot 90 माइनस टू थीटा या cot 90 माइनस थीटा, अभी हमने पढ़ा cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो cot 90 माइनस टू थीटा tan थीटा इक्वल्स टू, इधर जो वैल्यू दी है उसे ऐसे ही लिख लो, cot थीटा माइनस 21, ठीक है। अब देखो इक्वल का साइन यहां लगा हुआ है और दोनों तरफ क्या है, इसमें भी cot दिख रहा है, इसमें भी cot दिख रहा है, तो दोनों तरफ से कॉट जो है निगलेक्ट हो जाएगा, और जब कॉट निगलेक्ट हो जाएगा तो यहां पर हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, 90 माइनस टू थीटा, निगलेक्ट का मतलब दोनों तरफ से हम इसे हटा देंगे, ठीक है, इधर क्या मिल जाएगा थीटा माइनस 20। ऐसा करो टू थीटा को इधर भेज दो और 21 को इधर ले आओ, टू थीटा को जब उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, 90 इधर आया है और 21 भी इधर आ जाएगा इक्वल टू थीटा प्लस 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 111, और इधर कितना हो गया ये 3 थीटा, ठीक है। इस 3 थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 3 थीटा से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, तो थीटा इक्वल्स टू आएगी 111 और अपॉन में 3, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9 और 9 टू 11 3 7 जा 20, तो बच्चा यहां पर थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 37 डिग्री, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे।
इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट टेन 7 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 67 डिग्री, टेन 83 डिग्री इक्वल्स टू रूट थ्री। रूट थ्री निकालनी है वैल्यू। तो बच्चा देखो यहां पर रूट थ्री निकाली गई, इसका मतलब टेबल का यूज तो होगा, सिर्फ कहने की बात है, लेकिन बाकी जगह जितने भी हैं उनको हम टेबल की मदद से सॉल्व नहीं करेंगे। देखो कैसे, तो क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा, दिया है, ये दिया है टेन 7 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 67 डिग्री, टेन 83 डिग्री इक्वल्स टू रूट थ्री, यही तो दिया है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। यहां दिया है टेन 7 डिग्री, यहां दिया है टेन 23 डिग्री, यहां दिया है टेन 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और यहां दिया है, एक मिनट, टेन 60 डिग्री, टेन 67 डिग्री, टेन 83 डिग्री, ठीक है। यहां पर हम एक चीज चेक करेंगे, देखो हम यहां पर 90 डिग्री देखेंगे किसको किसको ऐड करने से हमें मिलेगा। तो अगर इस टेन 7 को हम इस 83 के साथ ऐड कर देंगे तो 90 मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, टेन 7 डिग्री के साथ हम लिख लेंगे टेन 83। और यहां देखो टेन हमें मिल रहा है 23, और 23 में अगर 67 ऐड कर देंगे तो 90 मिल जाएगा। तो इसको भी एक साथ लिख लेते हैं, किसको, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और यहां देखो tan 60 बच रहा है, इसको बाद में लिख लेते हैं, tan 60 डिग्री यहां पर लिख लेते हैं। अब इसमें क्या चेंज करना है, देखो क्यों, क्योंकि tan तो tan है, बस 7 डिग्री जो लिखा है हमने लिख दिया 90 माइनस 83, क्योंकि 90 से जब 83 सबट्रैक्ट करेंगे तो 7 ही तो बचता है, तो tan 90 माइनस 83। यहां पर तो हमें दिया है tan 83, इससे कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहां पर देखो ये दिया है tan 23 डिग्री, इसको भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से अगर 67 सबट्रैक्ट करेंगे ना तो 23 ही मिलेगा और कुछ नहीं, बस 23 की प्लेस पर हमने 90 माइनस 67 लिख दिया। इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, क्या है tan 67 को ऐसे लिखा रहने दो, और इधर देखो tan 60 दिख रहा है, इसको ऐसे ही साथ में चलने दो tan 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखो हमने पढ़ा था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि tan 90 माइनस थीटा या cot 90 माइनस थीटा, देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम, फॉर्मूले होते हैं, देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और इसी तरीके से cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहां पर tan वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसे अप्लाई करते हैं, तो इसे अप्लाई अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो tan 90 माइनस थीटा यहाँ क्या हो गया, cot थीटा हो गया, ठीक है यहाँ, और साथ में ये tan 83 दिया ही है, tan 83 यहां पर दिया ही है, tan 83, यहां देखो tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, यहां पर cot 67 हो जाएगा, ठीक है, साथ में tan 67 दिया ही है, और यहां पर देखो tan 60 भी दिया है, ये tan 60 भी आगे लिख लिया। अब क्या करना है, देखो क्या करेंगे, ये जो cot 83 दिख रहा है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1/tan 83 भी तो लिख सकते हैं, cot 83 equals to 1/83 करके कर सकते हैं,
और यहां पर देखो यहाँ cot 67 है, इसको भी हम 1 अपॉन tan 67 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले तो cot 83 था तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 83, ठीक है। और यहां पर तो tan 83 पहले से ही दिया है, देखो यहां पर cot 83 ये tan में चेंज हो गया, 1 अपॉन tan में हो गया, यहां tan 83 पहले से ही दिया है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर cot कितना है 67, तो ये हो जाएगा tan 67, 1 अपॉन tan 67 इंटू 1 अपॉन tan 67, साथ में यहां पर ऊपर tan 67 पहले से दिया ही है, ठीक है। और यहां पर अब देखो साथ में एक चीज और भी चल रही है, कौन, tan 60 डिग्री, ये भी तो चल रहा है। अब देखो सारे हैं मल्टीप्लाई में, तो ये tan 83 और ये डिवाइड में है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 67 और ये 67 भी कैंसिल हो गए, बचा क्या tan 60 बच रहा है। और tan 60 की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, √3 होती है। यही हमसे पूछा गया था राइट हैंड साइड में कि √3 आना चाहिए, तो देखो √3 यहाँ पर आ गया, यहाँ यही पूछा गया था कि क्या होगा, तो √3 पूछ रहे थे, तो √3 इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, कह रहे इफ tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, क्या दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इक्वल टू वन, तो क्या कह रहे हैं कि देन फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। करते हैं, क्या दिया हुआ है, गिवन है हमें tan a प्लस बी दिया हुआ है कितना है रूट थ्री, और क्या दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल्स टू वन, ठीक है। अच्छा इसको कैसे करेंगे देखते हैं, तो यहां पर दिया है tan a प्लस बी, ये जो रूट थ्री है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, तो टेबल से देखेंगे और रूट थ्री वैल्यू पता करेंगे, तो टेन ये जो रूट थ्री होती है ना ये होती है 60 की वैल्यू, ठीक है। और इधर देखो ये दिखा है टेन ए माइनस बी है, ये जो वन होता है ना वो टेन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है टेन 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। दोनों तरफ से टेन और टेन हट जाएगा तो यहां मिल क्या जाएगा ए प्लस बी मिल जाएगा जो कि 60 डिग्री के इक्वल में है, ये इक्वेशन वन हो जाएगी। और यहां पर देखो यहां है a माइनस बी, tan tan हट जाएगा तो यहां मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। देखो हमें मिला है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा मिला है a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये बी जो है दोनों ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में कैंसल हो जाएगा, ए भी प्लस का है बी भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, इनको भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 105। ए की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो 105 अपॉन में 2 से अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा ए इक्वल्स टू 105। 105 का मतलब क्या यहाँ पर आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 52.5 डिग्री इसका आंसर आएगा, ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगी, तो देखो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो ए की वैल्यू आई है ना इसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट करते हैं तो देखो ए की वैल्यू आई क्या है, ए की वैल्यू आई है 52.5 डिग्री, और इसे पुट करते हैं हम किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में पुट कर दो चाहे सेकेंड में, फर्स्ट वाले में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारी फ्रॉम वन, वो इक्वेशन क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a की वैल्यू यहां पर पुट कर दो 52.5 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60 डिग्री माइनस 52.5 डिग्री, तो b की वैल्यू इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे
तो कितना मिलेगा 7.5 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ए और बी की वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ये यहां देखो ए की वैल्यू है, ये हमारी ए की वैल्यू और ये हमारी बी की वैल्यू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।